नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एमपी में जो गेस्ट वाली जो भर्ती रहती है, अतिथि वाली जो भर्ती रहती है, एडॉप वाली जो भर्ती रहती है, उस पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडहॉक की जो नियुक्ति है उसको निरस्त कर सरकार उसी पद को नए सिरे से जो है नहीं भर सकती। ये दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, इसका जो मतलब है ये है कि एडहॉक की जो भर्ती निकली, आपने एक साल तक जो है उनको जॉब कराई, फिर आपने जो है फिर से उनकी भर्ती निरस्त कर दी, एक साल बाद फिर आप फिर उसी पोस्ट पर एडहॉक से भर्ती जो है कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, हुआ क्या था, 2014 में एमपी में जो है ये अतिथि मतलब गेस्ट प्राध्यापक की जो है भर्ती हुई थी, और इसमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट थे जिनका चयन हुआ था, जिसमें मनीष गुप्ता ये थे, इनके साथी थे, और इनकी भी भर्ती जो है कैंसिल कर दी गई थी, फिर से नई भर्ती जो है निकाल दी गई थी उसी पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों इन्होंने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी, और हाई कोर्ट ने दोस्तों इनके पक्ष में जो है फैसला सुनाया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश सरकार को बोला। साथ में दोस्तों ये भी बोला कि एडहॉक प्राध्यापक को आप यूजीसी के हिसाब से जो है वेतन मान दिया जाए, ये बोला। फिर दोस्तों ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यही कहा है, मैंने जो आपको बताया है कि एडहॉक नियुक्ति निरस्त कर सरकार उसी पद को नए सिरे से नहीं भर सकती, यानी कि आप परमानेंट भर्ती कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप गेस्ट की भर्ती थी, अतिथि वाली भर्ती थी, आपने एक साल जॉब कराया, फिर आपने कैंसिल कर दी, फिर उसी पर आप फिर से नियुक्ति कर रहे हो, तो ऐसा आप जो है नहीं कर सकते, ये दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं आपको बता दूं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई की खंडपीठ ने जो है इसकी सुनवाई की। दोस्तों उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने देखिए इसके लिए परीक्षा ली, इंटरव्यू लिया, फिर नियुक्ति दी, और आप जो है इनको हटा रहे हो, तो ये जो है बिल्कुल गलत है, और इनकी जो है नियुक्ति जो है यथावत रखी जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है एडहॉक वाली जो भर्ती होती है उसके बारे में, और साथ में दोस्तों बहुत सारी बातें जो है बोली गई हैं। धन्यवाद।